डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फर्स्ट, वी आर लर्निंग EVS. आज हम EVS पढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट, और उसमें माय बॉडी हमने देखे थे. आज हम चैप्टर 2, आवर बॉडी कैन डू, हमारी बॉडी कर सकती है. देखिए 3 पॉइंट दिए, यानी बहुत सारे काम हमारा शरीर करते रहता, ऐसा कहना है. Every part of our body is useful. Every part of our body is useful. शरीर का हर एक हिस्सा बहुत उपयुक्त है. शरीर का प्रत्येक भाग उपयोगी आहे. Each part has a function or work to do. प्रत्येक शरीराला कार्य आहे, तो शरीराचा अवयव काम करतो. With our legs and feet we can, आपण आपल्या पायांनी पावलांनी काय करू शकतो, स्टँड, वी कॅन स्टँड, उभे राहू शकतो. वी कॅन वॉक, वी कॅन रन, वी कॅन किक द बॉल, है की नाही, हे आपण करू शकतो. वी कॅन जम्प, वी कॅन हॉप, वी कॅन बॅलेन्स. ठीक आहे मुलांनो, तर आपल्या शरीराच्या अवयवांनी अजून काय करू शकतो बघूया आपण. अवर विथ अवर आर्म्स अँड हँड्स वी कॅन, हमारे हातों से, आर्म्स और हँड्स से हम क्या कर सकते है, वी कॅन होल्ड, किसी चीज को पकड़ सकते है. वी कॅन लिफ्ट, चीजों को लिफ्ट पहुंचा सकते है. वी कॅन टच, चीजों को स्पर्श कर सकते हैं. वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं. वी कैन पुश एनीथिंग, किसी चीज को ढकल सकते हैं विथ अवर आर्म्स एंड हैंड. वी कैन ग्रीट, एक दूसरे को शुभकामनाएं दे सकते हैं, हैंड शेकहैंड कर सकते हैं. वी कैन प्रे विथ आर्म्स एंड हैंड, हम हाथ और आर्म्स के माध्यम से हम प्रे भी कर सकते हैं. देखिए अभी हमने कि हमारे पार्ट्स कितने महत्वपूर्ण हैं. दे डू टू मच वर्क, बहुत काम करते हैं वो. दे आर यूजफुल. नाउ आंसर इन वन वर्ड, अब आपको एक शब्द में उत्तर देना है. विच पार्ट ऑफ योर बॉडी हेल्प यू, आपके शरीर का कौन सा हिस्सा आपको मदद करता है, काय के लिए, टू कैच बॉल, बताइए, बॉल पकड़ने के लिए, हैंड एंड आर्म है ना, टू रन, दौड़ने के लिए कौन सा हिस्सा मदद करेगा, लेग एंड फीट, टू स्टैंड, खड़ा रहने के लिए, लेग एंड फीट, टू होल्ड अ पेंसिल, पेंसिल पकड़ने के लिए, हैंड एंड फिंगर्स. मुलांनो हे तुम्हाला कळले पाहिजे, कुठल्या शरीराचा अवयव हा कोणतं काम करण्यासाठी उपयोगी पडतो. तर प्रश्न दुसरा लक्ष द्या, फिल इन द मिसिंग लेटर. अब यहाँ पे आपको मिसिंग जो लेटर है, मिसिंग मतलब खोए हुए, उन अक्षरों को यहाँ लिखना है और इस स्पेलिंग को पूरा करना है. आई हैव 10 फिंगर्स ऑन माई HANDS है ना, मेरी 10 उंगलियां है काय पर, मेरे हाथों पर. हैंड लिखोगे तो गलत हो जाएगा, हैंड्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ में 10 उंगलियां नहीं होती. हैंड्स लिखिए HANDS. I have lots of hair on my, काय पर बहुत सारे बाल है, हेयर मैंने बाल, हेड, तो स्पेलिंग पूरी कीजिए HEAD. I can kick the ball with my, बॉल को हम लात मारते हैं, किक करते हैं, कैसे, FOOT, फुट. My help me to run fast, तेज दौड़ने के लिए, मेरे खाली जगह मदद करते, कौन मदद करते दौड़ने के लिए, बोलिए लेग्स ना, LEGS. तो इसी प्रकार थिंग्स टू डू यहाँ पर ध्यान रखना है.
आपकी जो पांचों उंगलियां हैं उनके लिए नाम ध्यान में रखिए, मिडल फिंगर बीच वाली उंगली, रिंग फिंगर अंगूठी वाली उंगली, थंब अंगूठा, फोर फिंगर लिटिल फिंगर। अब यहाँ आपको यह हाथ का चित्र दिया है और कौन सी उंगली क्या है उनके नाम यहाँ से देखकर आपको पुटअप करने हैं, लिखने हैं। चलो ओके बच्चों, पार्ट्स ऑफ बॉडी का अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए और उसे साफ सुथरा रखिए, तबीयत के बारे में सतर्क रहिए। थैंक यू।